गुड मॉर्निंग एट क्लास स्टूडेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई सर्किट की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत भाग नंबर 3 और लेसन नंबर हमारा था 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये हमने पेज नंबर 70 तक पढ़ दिया था और आज आए हम पेज नंबर 71 पर भारतीय कपड़े का पतन। अब आज हम इसको पढ़ेंगे लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। आओ अब हम इसको पढ़ते हैं। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े थे। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। तो इसके कहने का क्या अर्थ है कि ब्रिटेन के अंदर जो सूती कपड़ा जो उद्योग चल पड़ा था ना, उसके हमारे जो सूती कपड़ा उद्योग था ना भारत का, इसके ऊपर बड़ा असर पड़ा था। आगे हैं, इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने से बंद कर दिया और इसके एजेंडों से तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया और परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। तो इसके कहने का क्या अर्थ बना है कि इंग्लैंड के अंदर जिस प्रकार सूती कपड़ा उद्योग का जो पूरा विकास हो चुका था, इस कपड़े के द्वारा क्या हो गया था कि जो भारत का जो कपड़ा था ना, उसकी बाहर मांग बिल्कुल कम हो गई थी और हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत से जो सूती कपड़ा उद्योग बनाने वाले बुनकर थे उनका व्यवसाय ठप हो गया, उनकी आमदनी बिल्कुल ठप हो गई थी और उन्होंने सरकार से अपनी इस उद्योग के लिए अपनी परेशान बुनकरों की मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई थी। आगे आता है, सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी। यह कताई मिल थी 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ पर कपास की खेती की जाती थी और वहाँ से सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई और उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लग गया। इसके अंदर क्या दिया गया, बताया गया है कि जो भारत के अंदर सूती कपड़ा जो मिल स्थापित हुई थी 1854 के अंदर हुई थी कताई मिल, और 19वीं सदी की शुरुआत के अंदर भारत से इंग्लैंड और चीन को जो कच्चे माल के निर्यात के लिए बम्बई एक प्रमुख बंदरगाह बन चुका था। बम्बई है वो काली मिट्टी वाला एक विशाल प्रदेश था और वहाँ पर कपास की खेती की जाती थी, इसलिए इन उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और सन 1900 के आते आते बम्बई में 84 मिलें चालू हो गई थी। उनमें से बहुत सारी मिलें गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी और जो चीन के साथ व्यापार करके काफ़ी आमदनी कमा चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि कई शहरों के अंदर भी कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला था और इसके द्वारा सूती कपड़ा मिलों की जो बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी थी। हजारों जो गरीब थे, खेतीहर थे और परेशान बुनकर थे, उनको वहाँ पर रोज़गार के लिए शहर की तरफ जाने लगे थे। पहले पहले दशकों के अंदर क्या हुआ था कि कारखानों के अंदर बहुत सी समस्याओं को जूझना पड़ता था इनको, और पहली समस्या तो उनकी ये थी कि उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों को मुकाबला करना पड़ा था क्योंकि ब्रिटेन के अंदर सस्ता कपड़ा
बिकता था। हमारे यहाँ पर कपड़े का उत्पादन काफ़ी महंगा था, इसलिए हमें उनसे काफ़ी तुलना करनी पड़ती थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी थी। अब आगे आता है कि टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील, यानी इसके अंदर हमारे यहाँ से लोहे का उत्पादन शुरू होने की कहानी शुरू होती है। भारतीय इस्पात और लोह धातुकला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान था जिन्होंने 1799 तक मैसूर प्रशासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवार आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोहे के कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार का यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों के कारण होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर में सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील के किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काष्ठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था और तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगलक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, यानी इसको गलाकर इसकी सिल्लियाँ तैयार करते थे, जिनका न केवल भारतीय पश्चिमी और मध्य एशिया में तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था बल्कि इसका प्रयोग और अनेकों चीज़ों बनाने के अंदर भी किया जाता था। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली के विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भी भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं को 4 साल तक अध्ययन किया था, परंतु दक्षिण भारत में प्रचलित वुड स्टील नामक प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। आगे आता है गाँव की उजड़ी भट्टियाँ। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन के बेहद परिष्करण तकनीक की जरूरत थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर पर बिहार और मध्य भारत से हर एक जिले में ऐसे प्रगलक कारगर थे। प्रगलक क्या होता है? लोहे को गलाने वाले कारगर कारीगर होते थे। इसी लोहे के कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार भी और भी साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। पर गलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोखने का काम करती थी, यानी जो भट्टी थी उसके अंदर ईंधन डालने का काम करती थी। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा देने वाले यंत्र को धोखने कहा जाता था, यानी उसको हवा देती थी भट्टियों को। उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते आते लोहे का प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गांव में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था? इसकी वजह तो वन कानून थे जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी तो लोहा बनाने वाले को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती थी और लोह आवश्यक वे भी कहाँ से ले आ सकते थे? वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पैसा छोड़ दिया और वे आजीविका के लिए दूसरे साधन ढूंढने लगे थे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगलकों ने अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग से बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे जिसकी उसकी आय गिर जाती थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक
लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी जो ईंधन की चुनौती थी। कोयला बड़ी मुश्किल से मिलता था और वनों के अंदर जो लकड़ी थी वे अंग्रेज काटने देते थे, उनके ऊपर भी कानून बनाए हुए थे। इस प्रकार उनके सामने बहुत ज़्यादा समस्या आ गई थी। आगे आता है भारत में लौह इस्पात कारखानों का। साल 1904 की बात है कि अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद टाटा के बड़े बेटे दुराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने तक काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लौह इस्पात लौह कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का एक भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगाया जाए, कि जो कच्चा माल है वो हमें आसानी से मिल जाए, कि जहाँ से कच्चा माल आसानी से मिलेगा वहाँ पर हम इस उद्योग को लगा लेंगे। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दुराबजी एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहाँ उन्होंने देखा कि कुछ छतरी और कुछ टोकरियाँ उन्हें भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ये अंग्रिया समुदाय के लोग थे। जब उन्होंने पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली कर दी। वेल्ड और दुराबजी घने जंगलों में होते हुए काफ़ी देर तक थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें इस चीज़ की तलाश थी, वह मिल चुकी है। राजहारा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यहाँ सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी की प्रबंध नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगारिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक स्रोत ढूंढने में मदद की, जहाँ बाद में भिलाई स्टील संयंत्र अयस्क की आपूर्ति की गई थी। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर एक बड़ा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई थी। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया और इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा था। इस लेसन को हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये आपके एक बार पढ़ना है। आगे वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।